कोई मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कोई दुकान चलाता था, कोई पढ़ाई करता था, लेकिन एक सपना था कि हमें भी कुछ करना है लाइफ में। जब देखो वायरिंग 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 रट्टू तोता बना दिया, रटो कलर कोडिंग क्या है, कहां से क्या, अरे अलग अलग स्टेट से आए, मूर्ति जी हमारे आंध्र प्रदेश से आए, अर्जुन हमारे यूपी से आए, आप कहां से आए, एमपी से आए, आप कहां से आए, और मैं तो एक टाइम ट्रेनिंग फ्री कर दूंगा, तो ट्रेनिंग फ्री कर देंगे एक दो साल बाद, मान लो पैसे पढ़ने का आ गई, गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिया पैसा, बच्चों को पढ़ाऊं फ्री में, लगभग 3 महीने का कोर्स रहता है। अब कोई लोग हैं जो पहले गैराज पे काम किए हैं, जिसको चाबी पाना चलाना आता है, जिसका दिमाग अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़ो लाइफ में, अच्छा करो कुछ। मूर्ति जी थैंक यू फॉर कमिंग। फुल है सेंटर, 5-6 महीने सब BSS पे ट्रेनिंग चल रहा है इन लोगों का। क्या क्या सीखा है यहाँ पर? वायरिंग, इंजन बनाना, सर्विसिंग, टायर रिपेयरिंग, मतलब टायर पंचर वगैरह करते हैं। रोड में बोला है कि मैकेनिक में अब इसको अपग्रेड कर ले, अपग्रेड करते हैं। हां, तो चाबी पावर टूल सब है आपके पास। तो ये था आज हमारे स्टूडेंट जो जा रहे हैं, 3 महीने पहले आए थे एक विश्वास लेके कि हमें कुछ करना है। कोई मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कोई दुकान चलाता था, कोई पढ़ाई करता था, लेकिन एक सपना था कि हमें भी कुछ करना है लाइफ में। अदरवाइज तो वीडियो तो देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, पूरी जिंदगी देखते रहेंगे, मेरा देखेंगे फिर दूसरे का देखेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं नहीं बाबा नहीं वहां चलेंगे, फिर मेरा देखेंगे बोले हाँ बाबा अच्छा, फिर देखेंगे दूसरे का नहीं नहीं वहां अच्छा है, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकाल देंगे। और जिनको करना है लाइफ में आगे बढ़ना, वो यहाँ पर आए, मेहनत किया, पसीना बहाया, परेशानी झेली, तभी आगे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। अलग अलग स्टेट से आए, मूर्ति जी हमारे आंध्र प्रदेश से आए, अर्जुन हमारे यूपी से आए, आप कहां से आए, एमपी से आए, आप कहां से आए, एमपी से, आप बिहार से, आप बिहार से आए, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर अकेले आते हैं, परिवार को छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है वही सब आपके सामने है। आगे जाएंगे, फ्यूचर अच्छा बनाएंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत जाते ही इतना पैसा आने लगा जेब भर जाएगी, और मेहनत करनी है, परेशानी झेलनी पड़ेगी, दुकान धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन आज नहीं तो साल भर बाद, साल नहीं 2 साल बाद ये मालिक बनेंगे, अपने नीचे 2 लोगों को रोजगार देंगे, कम से कम अपने छोटे भाई छोटे बहन परिवार वालों को साथ लेकर चलेंगे, तो आगे जब ही बढ़ सकते हैं, हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर कोई मार्केटिंग, कोई बड़ी बड़ी बातें, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना वो सब नहीं सिखाया जाता, हवाबाजी कुछ नहीं है, जो है हाथों का हुनर, प्रैक्टिकल। कोई मेरे पास AC क्लासरूम नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो है हाथ का प्रैक्टिकल है मेरे पास, वो आइए कीजिए। अब मैं सब लोगों को बैठाता हूँ, मिलवाता हूँ आपसे, कौन कहाँ से आया था, क्या किया इन्होंने, कैसे किया, आइए मिलते हैं। और आज की डेट है हमारी, डेट को लोग कॉपी करने लग गए, डेट पर लग पता है ना, कॉपी करने लग गए ना डेट भी, कि आज फलानी डेट है, मतलब जो बाबा करेगा उसको कॉपी करना है। आज की डेट है 19 नवंबर 2024। चलो आज का वीडियो है हमारा बाइक ट्रेनिंग को लेके, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट आते हैं, लगभग 3 महीने का कोर्स रहता है। अब कोई लोग हैं जो पहले गैराज पे काम किए हैं, जिसको चाबी पाना चलाना आता है, जिसका दिमाग अच्छा है, जो जल्दी करते हैं, या फिर तो वो 2 महीने में भी कर जाते हैं, और जिनका दिमाग स्लो है या नहीं समझ पाते एक बार, तो वो 4 महीने भी कर सकते हैं, 5 महीने भी कर, 6 महीने कर सकते हैं। मतलब बैच सिस्टम हमारे पास होता नहीं है कि आप बैच में इकट्ठे हो तब हम चालू करेंगे, एक एक करके स्टूडेंट आते जाते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, कभी भी आप जा सकते हैं। ऑटोमेटिक बैच आपका 5-6 लोगों का बनता है एक वीक के अंदर। तो ये बैच था हमारा बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग का, सब लोग आए। अब इनसे पूछेंगे पहले क्या करते थे, कितने टाइम पहले आए, क्या क्या सीखा इन्होंने, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है, और जब ये आए थे, जब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में क्या इंस्ट्रूमेंट थे, क्या चीजें नहीं थी, और जब ये आए तो हम लोगों ने क्या चीजें अपडेट करी, वो भी इन लोगों से सुनेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपसे, आपका नाम, कहां से आए थे, क्या करते थे, और नीचे बाकी बैच जो चल रहे हैं वो भी यहाँ पर लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ को हम लोग भगाते हैं। एक माउस पेंसिल हमारा, ये सब पूरा भी देखिए, फुल है सेंटर, 5-6 महीने सब BSS पे ट्रेनिंग चल रहा है इन लोगों का। ये हमारा, और ये जो फ्लोर है डेमो इंजन वाला, वो सर एक सर दिखा दो, पीछे हटना सर थोड़ा सा, डेमो इंजन वाला फ्लोर है ये, यहाँ पर सब ये डेमो इंजन करना है बाइक्स के। ये 5 का बैच है, ये 5 का बैच है, कल मैंने वीडियो डाला था, जब देख लिया होगा आपने। तो कभी भी स्टूडेंट आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, आपके ऊपर सर मैं ट्रेनिंग हो गया, मैं संतुष्ट हूं, मैं जाना चाहता हूं। हम लोग आपको नहीं बोलते भैया की ट्रेनिंग आपका कोर्स था, आपका कोर्स पूरा हो, अब आप घर जाओ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। ये खुद लोग हमारे पीछे पड़ते हैं, जैसे ये आता डेली, इधर सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो, हम बोलते हैं आपको मूर्ति जी की आप आते हो सर्टिफिकेट बनवाने,
कितनी बार बोलते हो आप? दो तीन बार बोलते बनता है ना। और होना क्या चाहिए ट्रेनिंग सेंटर में? हाँ भाई साहब आप लोग आए थे, अब आपका फलाने दिन को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 महीने हो गए आप? 3 महीने हो गए, मतलब इनडायरेक्ट वे में भगाने का सिस्टम कि भैया आपका कोर्स पूरा होगा, सर्टिफिकेट रेडी, उस दिन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, आप जाना को काम जाना, वो सिस्टम नहीं है। बताओ सर नाम आपका, कहाँ से आए थे, क्या करते थे पहले? मैं बिहार से आया। बिहार में किस जगह से? बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट, क्या करते थे पहले? पीयूष पहले पढ़ाई करते थे सर। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे सुना, कैसे समझा, कैसे विश्वास किया? यूट्यूब पे देखे सर। यूट्यूब पर फ्रॉड भी होता है? फ्रॉड भी होता है सर, फिर भी अपने कोशिश किया कि देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन कुछ पैसा लिया गया रजिस्ट्रेशन आपसे? डायरेक्ट आ गए थे? डायरेक्ट आ गए थे। डायरेक्ट सब लोग देखा आपने, फिर एडमिशन लिया कि पहले पैसा दो फिर नीचे जाओ तब बच्चों से मिलना? नहीं सर, पहले एडमिशन, उसके बाद पैसा। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने? बाइक का सारा काम सीख गए सर, इंजन रिपेयरिंग, वायरिंग। ठीक है। आप सर नाम आपका? अर्जुन है। अर्जुन कहाँ से आए थे? यूपी से। यूपी में किस जगह से? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज से, क्या करते थे पहले अर्जुन? पहले सर मैंने काम किया है गैराज पे जो है। कितने साल? अरे वही जो 2-2.5 साल जो काम। कितनी गाड़ी धोई? वहाँ धोने का नहीं मिला जो है, लेकिन जो है रिश्तेदारी भी मुझे। अच्छा चलो, अच्छा रिश्तेदार फिर भी नहीं सिखाया 2.5 साल में लेकिन। अरे तो क्या आजो 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 भाई कर दो, भाई कर दो। चलिए बताइए आपका नाम? दिनेश डामोर। दिनेश क्या करते थे पहले? पढ़ाई करते थे। कहाँ से आए थे? एमपी से। एमपी किस जगह से? झाबुआ जिला। झाबुआ जिला से, क्या क्या सीखा यहाँ पर? ये वायरिंग, इंजन बनाना, हाँ सर्विसिंग। पहले कितने इंजन किए फर्स्ट, पहले महीने क्या किया? पहले डेमो इंजन। कितने किए? 17। क्यों किए? वो प्रैक्टिस के लिए। वो एक दो इंजन से भी तो प्रैक्टिस हो सकती थी? वो तो हो सकते, लेकिन फिर बार बार करने से हाथ चाबी पाना चलाना सीखते हैं, डट बोल्ट खोलना सीखते हैं, भूल जाते तो वापस करते हैं, वो सब चीजें होती है जरूरी। दूसरे महीने सर ये वर्किंग में कौन कौन सी गाड़ी करी? टीवीएस, केटीएम, पल्सर, ये अपने स्प्लेंडर, ये टीवीएस 1700। अच्छा चलो ठीक है। आप मूर्ति जी? आंध्र प्रदेश से। इतना दूर आना डर नहीं लगा आंध्र प्रदेश से? चलो क्या करते थे पहले मूर्ति जी? टायर शॉप खोला था सर मैंने। अच्छा टायर रिपेयरिंग मतलब पंचर वगैरह करते थे, तो मैं बोला कि मैकेनिक में अब इसको अपग्रेड कर ले। अपग्रेड करते हैं चाबी पाना टूल सब है आपके पास? दुकान है, जगह है, बस बोर्ड लगाना है, बाइक रिपेयरिंग। सब लोग आजू बाजू बोलेंगे क्या हो गया जादू ऐसा, 3 महीने बाइक पंचर लगाता था, बाइक मैकेनिक कैसे हो गया जोरदार। चलो बहुत बढ़िया, परिवार को आगे लेके जाओ, बड़ा कुछ करो। हाँ जी, मेरा नाम अरबाज है। अरबाज जी बहुत अच्छा लगा सर। मेरा घर बिहार में पड़ा जी। बिहार में किस जगह? मोतिहारी जी। मोतिहारी, क्या करते थे पहले? पहले पढ़ाई करते थे। अच्छा क्या क्या सीखा है सारा बताओ। यहाँ पे तो पहले डेमो किया हम लोग। कितना इंजन? 18 इंजन। क्यों किया? वो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, और बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिला हम लोग को जी। स्पैनर किस तरह चलाया जाता है। हाँ। उसके बाद वर्किंग हम लोग किए 1 महीना। हाँ। वर्किंग में BS6 सब बाइक किए लोग। हाँ। कौन कौन सी करी BS6? BS6 पल्टीना किए है। हाँ। हीरोंडा किए। हाँ। और XL100 किए। हाँ। TVS स्पोर्ट्स किए। हाँ। सब BS6 है। हाँ। उसके बाद हम लोग आए वायरिंग में। हाँ। वायरिंग में वही जमाना BS6 का आ गया, 2020 में लॉन्च हो गई, 4 साल से BS6 चल रहा है। अब अभी भी आप BS3 BS4 पे जाओगे तो कैसे काम चलेगा? कंपटीशन की तैयारी करनी है आपको IAS बनने की, और आप बुक पढ़ रहे हो 4th क्लास कलर की नौकरी करने की। जादूगर बहुत हैं बताने वाले, लेकिन इस चीज कौन बताएगा कि हमें करना 10th पास है और कुंजी पढ़ रहे पास पढ़ रहे 5वीं पास। अरे आज के दिन में क्या टेक्नोलॉजी है वो बताओ, पुरानी तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे आप। नई वाली समझ लेंगे तो पुरानी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप। नहीं वो तो इजी है, उसमें ना तो सेंसर है ना कुछ है, ले देके एक पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल से आपका CDI है, CDI से आपका ST कॉइल है, ST कॉइल से करंट निकला, इस पर गाड़ी स्टार्ट।
तीन तार में टेबल पर रख के इंजन स्टार्ट कर दो, वायरिंग आप हाथ से बना लो, तीन दो चीजें बीएस फोर में गाड़ी स्टार्ट, इंजन आप टेबल पर रख के स्टार्ट, आप नई वायरिंग आप खुद से बना तार लगा दो, अर्थ तो कॉमन जा ही रहा है, पिकअप कॉल से तार निकला सीडीआई में गया, सीडीआई से एसटी कॉल में गया, एसटी कॉल से स्पार्क प्लग में करा, गाड़ी स्टार्ट लो आपकी टेबल पर रख के स्टार्ट कर दो। और जो सीखने वाला है क्या है उसमें, जब देखो वायरिंग 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 रट्टू तोता बना दिया, रटो कलर कोडिंग क्या है कहां से क्या, अरे ये बटन है, इस बटन से पंखे को तार जाना है प्लस माइनस, अब आप कैसे भी घुमा के दे दो उसको, अब ये थोड़ी है कि लाल तारी पंखे में जाएगा, पीला भी जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है, हरा भी जा सकता है, लेकिन वायरिंग याद करो, कोई भी कलर हर एक से डेढ़ साल में वायरिंग का कलर कोड चेंज होता है। आप वायरिंग लेने जाओ डीएस सिक्स पल्सर की, वो बोलेगा कौन सा मॉडल है, पार्ट नंबर लाओ, पार्ट नंबर मतलब हर एक दो साल में चेंजमेंट होता है। अब वायरिंग तो आपने रट ली 2020 मॉडल की, और मार्केट में गाड़ी आ गई आपके पास 2023 मॉडल, उसकी वायरिंग अलग है, तो आप पूरा ज्ञान आपका रखा रह जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना कि जो मैग्नेट से हमारा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, वो उसके बारे में किस वाले में जा रहा है, ईसीयू में जा रहा है या सेंसर में जा रहा है, कांसेप्ट समझना है, बस उतना ही ध्यान रखना। करंट करंट तार कहां से कहां जाना, तार याद नहीं रखना कि तार कहां से कहां जाना है, करंट कहां से कहां पहुंचाना है, बस उसका सिस्टम समझना है कि करंट इस जगह से करंट जाएगा, इस जगह करंट पहुंचाना है। अब वो तार को मैं लाल बांध दू, पीला बांध दू, नारंगी दे दू, पीला दे दू, नीला दे दू, काला दे दू, और उसको रटने के लिए बैठ जाओ वायरिंग में टेबल पर रख दो, बढ़िया, मेरे तो 1 लाख की बाइक खराब नहीं होगी। और हम पागल है जो 1-1 लाख की बाइक को दे रहे हैं, कटवा रहे, तोड़वा रहे, ईसीएम टूट रहा है, खराब हो रहा है, हम पागल है, उससे बढ़िया तो ये है कि वायरिंग लाओ, 1000 रुपए की वायरिंग आती है, टेबल पर रख दो, लो भैया लगे रहो इससे करने। और स्टूडेंट बोलते अरे वाह साहब वायरिंग का कलर कोड हमें बता रहे, अरे 1 लाख की बाइक उसमें सीख नहीं रहा, 1000 रुपए की वायरिंग उससे खुश है। तो ये रटने वाला सिस्टम बेकार है, कॉन्सेप्ट समझो भैया। एसटी कॉलेज को बाइसेप वर्क करंट बनाना है स्पार्क प्लग के लिए, इसको तार बीएस फोर तो सीडीआई से जाएगा, सीडीआई को इनपुट मिलेगा पिकअप कॉइल से, वो कॉन्सेप्ट समझना है। आप टेबल पर रख दो इंजन, टेबल पर वायरिंग बना दो, इंडिकेटर वगैरह है, इंडिकेटर है उसको बल्ब है, दो तार चाहिए प्लस माइनस, दो तार कट गया चूहा ने काट दिया, अलग से डाल दो तार, वो जो एक वो जो बटन है हॉर्न से लाइट के बल्ब, वो बटन है वहां से नया डाल दो तार। और कोई भी गाड़ी का पार्ट लेते हो, मान लो पल्सर का आपने बोला कि साहब मेरे को बजाज पल्सर का इंडिकेटर चाहिए, तो उसका जो कपलर है ना इंडिकेटर, वो एक कपलर में लगेगा, वो दूसरे में लग ही नहीं सकता है, दूसरे में दूसरे लेफ्ट साइड या पीछे लग ही नहीं सकता कपलर उसका, इंडिकेटर का एक ही कपलर है उसी में लगेगा, एक तार का एक ही कपलर, एक ही कपलर है। मीटर लगाना है, आपने बोला मीटर खराब है यार वायरिंग कैसे करूं, अरे भाई जो मीटर निकालेगा उसका कपलर एक ही कपलर है उसका, वो कपलर जैसे दूसरा कपलर है ही नहीं पल्सर में, हर गाड़ी का यही सिस्टम है। लेकिन नहीं, कलर कोडिंग याद करवानी, वायरिंग बतानी है, जो जो करने वाली चीज जिनमें पैसा लगता है, जिसमें इंजन खुलेगा कसेगा, वो तो करवाना नहीं है, वायरिंग वायरिंग लेके बैठो, गाड़ी दिखानी है, नहीं देखो हमारे पास ये गाड़ी नई नई नई, और बात आए ट्रेनिंग की, हाँ सेंसर टेस्टिंग होती है, वायरिंग होती है, अरे भाई खुलवाएगा कौन उसको, नई गाड़ी चमचमाने के लिए खड़ी है, दिखाने के लिए थोड़ी, कौन खुलवाएगा उनको, ये सब तो ऐसा चल रहा है। बहुत वीडियो में देखता हूँ, जो देखते हो वो यहाँ पर होता है। चलो ठीक है, तो ये था आज हमारा वीडियो, सब लोग है, भाई लोग सब आए थे, जा रहे हैं, कामना करेंगे आगे जाके काबिल बने। और मैं फिर वीडियो में बोल रहा हूँ ऑनलाइन कि 100% ना आप सीखे हो ना मैं सिखाया हूँ, इस बात को ऑन कैमरा में एक्सेप्ट करता हूँ कि 100% ना तो आप सीखे हो और ना 100% मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये ह्यूमन नेचर है। वीडियो में मैं ही बोल सकता हूँ, किसी से बुलवा के दिखा दो, सब बोलेगा अरे साहब 100% सिखा रहे, अरे कैसे सिखा देगा, कभी नहीं सीखा। मास्टर जो है वो पढ़ा रहा है सारी थ्योरम प्रीमिस को पढ़ा रहा है, फिर भी 10वीं क्लास में एक तो फेल हो रहा है, एक के 60%, एक के 100% है, वो तो ज्ञान पूरा दे रहा है ना मास्टर, तो लेकिन हमारे यहाँ का कितना घुस रहा है, सबका दिमाग का एंटीना अलग है, कैसे 100% सीख सकते हैं हम, 100% सब आईएस बन जाएंगे कोचिंग वाले, सबकी कवर जब लग जाएगी, लेकिन नहीं हमारे पास आओ हम 100% सिखाएंगे आपको। भाई मैं तो 100% ना सिखाया हूं ना आप सीख सकते हैं और ना कोई भगवान सिखा सकता है, ये रियलिटी है जी सर, जिसका जैसा मैं काम करता है वो उसे सीखता है बस। चलो सेंटीमीटर से आ जाइए सब लोग, ठीक है आगे बढ़ो लाइफ में, अच्छा करो कुछ, ठीक है मूर्ति जी, थैंक यू फॉर कमिंग।
आएंगे मिलते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल छह महीने के बाद दोबारा बिल्कुल मोस्ट वेलकम ठीक है थैंक यू आ जाओ ठीक है थैंक यू आ जाओ थैंक यू।